नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। ये मोदी का कमाल कहा जाए या केंद्र सरकार की कुशलता, 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाया गया, उसके बाद से कश्मीर में शांति है और हालात बदल रहे हैं। यही वजह है कि एक भी आम कश्मीरी की जान नहीं गई। इसके साथ ही साथ अब कश्मीर के हालात और भी अच्छे हो गए हैं। इसी कारण कश्मीर से अलग बने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को भी सरकार ने हटा दिया और केंद्र सरकार की माने तो जल्द ही घाटी से भी इंटरनेट सेवा से प्रतिबंध हट जाएगा। अब एक बड़ी खबर केंद्र की तरफ से आ रही है कि जल्द ही कश्मीर में चुनाव कराए जा सकते हैं, इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। इसी कड़ी में कश्मीर में पंचायत चुनाव भी कराए जा रहे हैं। सूत्र कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को विधानसभा चुनाव कराने की हरी झंडी दे दी है। यहाँ पर एक बात बताते चले कि जो पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, ये चुनाव आतंकियों के धमकाने की वजह से रद्द हो गए थे। उन्हीं खाली पदों को केंद्र सरकार की मदद से भरे जा रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनाव में 20,093 पंच और सरपंच पदों में से 12,565 पद खाली है, जिसमें सिर्फ 6,162 पंच और 1,366 सरपंच ही चुने गए। अगर जम्मू संभाग की बात करें तो 15,800 पंच और 2,289 सरपंचों का चुनाव हुआ, जबकि पंच सरपंच की 166 पद खाली है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 1,414 पंच और 192 सरपंच सीटों के लिए चुनाव हुआ, जबकि 45 सीट खाली है। राज्य सरकार के अधिकारियों की माने तो केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव जल्द से जल्द कराने की बात कह दी है, इसीलिए जल्द से जल्द पहले सरपंच चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है और विधानसभा चुनाव से पहले हिरासत में लिए गए नेताओं को छोड़ने पर भी विचार किया जा रहा है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले इसी के तहत कई नेताओं को छोड़ा गया था। विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई। अगर ये बात सही है तो केंद्र सरकार की बहुत बड़ी पहल कही जा सकती है। ये लोकतंत्र के लिए ऑक्सीजन से कम नहीं। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये होता कब है, लेकिन ये तय है कि पहले पंचायत चुनाव होंगे और नए साल पर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। ये सब हुआ है प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच और जम्मू कश्मीर से प्यार की वजह से। इसके साथ ही साथ ये भी हम आपको बताते चले कि जब जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेश में बांटा गया था, तभी देश के नाम और खास तौर से कश्मीर की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि कश्मीर की जनता के साथ खड़ा हूं और आगे भी खड़ा रहूंगा और कश्मीर के साथ अन्याय नहीं होगा। लगता है प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात पर अडिग हैं और यही कारण है कि जम्मू कश्मीर के लिए ये सुखद और खुशी देने वाली खबर आ रही है।